हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आप सभी को पता है IBACIO 2020 का रिजल्ट आ गया है, तो आप में से जिस किसी ने भी अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है जाकर रिजल्ट देख लीजिए। IBACIO 2020 का TIER-1 का रिजल्ट आ गया है, जिसका पेपर फरवरी में कंडक्ट हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो आइए जानते हैं कितनी गई है कट ऑफ और मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था। पहले जरा ये जान लेते हैं मैंने प्रेडिक्शन क्या की थी। तो मैंने प्रेडिक्शन यूआर की जो की थी वो की थी 55 to 60 प्लस माइनस 5। मैंने ये प्रेडिक्शन आपकी यूआर की थी, जिसपे आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा दिखाया था और कहा था इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं बाकी कैटेगरीज का मानता हूँ मेरा थोड़ा सा प्रेडिक्शन पुअर था, लेकिन एटलीस्ट यूआर की कट ऑफ मैंने कहा था 55 to 60 जाएगी, प्लस माइनस 5 मैंने आपसे कहा था इतनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने टॉपिक्स वगैरह बहुत कुछ बताए थे, आई बटन पे मैं यहाँ पर पिन कर दूंगा, उस वीडियो को जाकर देख लेना। उसमें मैंने आपको इस प्रेडिक्शन के बारे में बताया था। अब जरा देखते हैं कट ऑफ गई कितनी है। तो देखो, कट ऑफ कितनी गई है एग्जैक्ट तो नहीं पता चल सकता है, क्योंकि SSC रिजल्ट जो IB जो है वो एग्जैक्ट आपके मार्क्स वगैरह नहीं बताती है, लेकिन जो कट ऑफ है वो ये समझ में आता है। ये IBACIO का प्रिपरेशन का ग्रुप है, इसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना, इसमें ज्वाइन कर लेना। 57.50 इस बच्चे के हैं UR के, और 19th को फर्स्ट शिफ्ट का इसका पेपर था और इसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि 57.50 अगर इसका सिलेक्शन हुआ है तो बिल्कुल दीपक का कहना है कि 62 से 65 के बीच में कट ऑफ गई है, जो कि मेरी प्रेडिक्शन से लगभग आसपास ठीक ठाक बैठता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ जो है आपकी 60 से 65 नंबर के आसपास मेरा अभी भी कहना है ये गई हुई है। और हो सकता है कई लोगों का इतने के बावजूद ना हुआ हो, क्योंकि उसमें रॉ स्कोर उनका अगर था और उससे अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद कम हो गया हुआ तो ऐसा हो सकता है। इसके जो एग्जैक्ट मार्क्स हैं वो IB डिक्लेयर करेगा नहीं करेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर्स दिए होते हैं, और अगर आपको रोल नंबर पता है तो ही आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ही आप इसे पता कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट हुआ है, सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ है जो कि मैं बता रहा हूँ, इतने पर मिनिमम मुझे ऐसा लगता है 57 मिनिमम मार्क्स होंगे जिस पर सिलेक्शन हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं 60 से 65 आपका सिलेक्शन बच्चों पे मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो कट ऑफ मेरी जो थी वो 55 से 60 के आसपास थी, जो कि ठीक थी। ठीक, देखिए इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे कई सारे बैचेस आ रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश का बैच आज से शुरू हो गया है, रात में 8 बजे से ये बैच है। इसके अलावा पैरा जंबल्स और क्लोज टेस्ट का बैच है, इसमें 3 बजे से क्लास हो रही है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम्स का बैच है, इसमें भी 3 बजे से क्लास हो रही है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का बैच है, इसमें भी 3 बजे से क्लास होगी। ये 21 अप्रैल से शुरू होगा, ये 13 अप्रैल से शुरू होगा और ये 7 अप्रैल से शुरू होगा। इसके अलावा अनअकैडमी पर आखिरी पड़ाव बैच है, CET ब्रह्मास्त्र बैच है, संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शंस बैच है, फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य SSC MTS बैच है, SSC CPO, SSC GD, ये सारे बैचेस हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AMANT, इस कोड को आप इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है 6500 रुपीज़ का जो आपको दिखा रहा है, जो आपको सिर्फ 5850 का मिलेगा, और उसके बाद आप इसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करना चाहते हैं तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 8299117042। इसके अलावा अनअकैडमी हर संडे को SSC कॉम्बैट कंडक्ट कराता है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको रेफरल कोड मांगा जाएगा AMANT, आप एंटर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और हर संडे ये कॉम्बैट कंडक्ट कराते हैं, अगर इसमें आप टॉप रैंक लाते हैं तो आपको फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इसके रिजल्ट की बात। IB TIER-2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही TIER-2 की डेट भी आ जाएगी। तो लेट्स कीप इट टिल हियर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।